रामा रहीम आज का हमारा टॉपिक है ब्लैफ्राइटस इससे पहले हम बाकी स्वेलिंग पढ़ चुके हैं आई की जिसमें ऑडियोलम इंटरनम एक्सटर्नम और क्रेजी ऑन अब बेफ्राइटस क्या है बेफ्राइटस जो है बेसिकली एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ दिड मार्जन है इट कैन अगर एज ए ट्रू इन्फ्लमेशन या फिर सिंपल हाइपरीमिया भी ये एज ए प्रजेंट कर सकता है इसके टाइप्स क्या है ब्रॉडली जो है इसको डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में एंटीरियर ब्लफ्राइटस एंड पोस्टीरियर ब्लफ्राइटस एंटीरियर ब्लफ्राइटस इज फर्दर डिडेड इन टू स्क्मस एंड अल्सरेटिव और पोस्टीरियर ब्लफ्राइटस बेसिकली है, जो है वो मेबोमिंग ग्लैंड से ही रिलेटेड है यानी इन्फ्लेन ऑफ द मेबोमिक ग्लैंड और डक्ट डक्टोरिया के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है और मेबोमिनाइटस के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकता है सबसे कॉमन सब कॉज इसकी जो है वो क्रॉनिक कन्जटवाइटस है जो स्टेफ और इसकी वजह से होता है या फिर पैरासिटिव इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है अब आते हैं एंटीरियर ब्लैफ्राइटस की तरफ एंटीरियर ब्लॉटस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबोरिक और स्क्वेमस ब्लफ्राइटस इसमें क्या हमें मिलेगा फीचर्स क्या होंगे इसके इसमें वाइट स्केल्स होंगे आई में जस्ट लाइक ए डेंड्रफ इसको रिमूव करने पे जो लेड मार्जिन है वो हाईप्रेमिक यानी रेड कलर के नज़र आएंगे लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है जो डिफ्रेंशिएट करती है इसको अल्सरेटिव लिफाइटिस से कि इसमें अल्सर जो है वो एबसेंट होंगे ये कंडीशन ज़्यादातर मेटाबोलिक एसोसिएट होती है जस्ट लाइक डेंडरफ ऑफ द स्कैल्प कई दफ़ा इस ये सेबोरिक डर्माटाइटस के साथ भी प्रजेंट करती है जिसमें स्कैल्प नेजर लेवियल फोल्ड्स और रिट्रोलिकल एरियाज में भी आपको सेबोरिक डर्माटाइटस मिलेगा इस पिक्चर में आप देखें जो वायरस शो कर रहा है इट्स जस्ट लाइक ए डेंड्रफ ऑफ द स्कैल्प आपको ना आई लैशेज में डेंड्रफ लाइक मेटीरियल नज़र आएगा इट इज लेबल्ड एजेमस ब्लफ्राइट सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद बर्निंग ऑफ द आई और डिपॉजिट्स और क्रस्टिंग अलॉन्ग दिड मार्जिन क्रिटीनेस रेडनेस ऑफ द लिड मार्जिन एंड फोटोफोबिया इसके अलावा जो सिम्टम्स सबसे कॉमन होता है कई दफ़ा पेशेंट इचीनेस या इचिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं लिड मार्जिन की ये सिम्टम्स यूजली वर्स होते हैं इन द मॉर्निंग ट्रीटमेंट जो है वो इसमें अगर तो कोई एसोसिएटेड स्किन कंडीशन है उसकी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है यूजली uh, पेशेंट को ये काउंसिल किया जाता है कि ये ट्रीटमेंट uh, थोड़ा लंबा असर चलती है क्योंकि यूजली uh, इसमें मेन फैक्टर जो हमने देखना होता है वो है लेड हाइजीन तो उसके लिए बेबी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन केस में आप लोकली एंटीबायोटिक और ड्रॉप्स एंड एटमेंट दे सकते हैं और अगर टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी है तो उसमें हम टीज आर्टिफिशियल टीज ऐड कर सकते हैं अच्छा एक बार याद रखें कि जो टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी है इफ़ यू कंपेयर इन टीर एंड पोस्बल ब्लेफ्राइटस वो ज़्यादा जो है ना पोस्टल ब्लफ्राइटस में होती है तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट अब आते हैं अल्सरेटिव ब्लैफ्राइटस पे तो इसमें क्या है कि ये ये स्टेफ्लोकोकल इन्फेक्शन के बाद होती है और लेड मार्जिन जो है दैट आर कवर्ड विद मटेरियल जो कि क्रस्ट होते हैं जिसको रिमूव करते हैं तो ब्लीडिंग होती है और अल्सर भी होते हैं तो ये डिफ्रिशिंग पॉइंट है बिटवीन स्कोमस ब्लटराइटस एंड अल्सरेटिव ब्लटराइटस इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं रेडनेस ऑफ लिड मार्जिन बर्निंग इचिंग ए वोटरिंग एंड फोटोफोबिया और इसमें आपको स्मॉल अल्सर्स मिलेंगे लिड मार्जिन पे और जो कई बार डिस्चार्ज भी मिलता है अल्सरेटिव ब्लटस में ये देखें आपको नजर आ रहा है कुछ एरिया में स्केल्स रिमूव हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग है और ही लल्सर्स है ट्रीटमेंट इसमें डिस्चार्ज एंड क्रस्ट इज रिमूव फ्रॉम द लिन मार्जिन विद बेबी शैम्पू अगर कोई ज़्यादा इफेक्टेड है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है जिसको एपिलेशन कहते हैं एंटी, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दिए जाते हैं और मेन इसमें इस भी वही है कि आपने रीड हाइजीन मेंटेन करनी होती है पेशेंट की काउंसलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है

इसके अलावा सेकैडाइजेशन ऑफ द लिड मार्जिन में ड्रैग ड्रैक दाइवा ऑन पोस्टीर बॉर्डर ऑफ द इंटर मार्जिन स्ट्रिप और जिससे जो एंगल है पोस्टीर एज का वो मे रिजल्ट इन एपीफोरा और एपीफोरा जो है ना वो बेसिकली लीड्स टू तो एक्सामेटिस कंडीशन ऑफ द स्किन स्कारिंग ऑफ द स्किन लीड्स टू एक्ट्रोपियन तो बेसिकली एक ओवरऑल ये आपकी ऑक्रोसलफिस डिजीज की तरह आपको प्रेजेंट करेगी नाउ कम्स द पोस्टीरियर बिल्फ्राइटिस इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मोबोविन डट ओपनिंग एट द इंटर माजल स्टेप ठीक है विदल्टियर फिल्म स्टेबिलिटी एंड ट्राइटस अच्छा देखें ये मैंने आपको बताया था कि अगर कंपेयर करें एंटीरियर पोस्टीरियर लफराइटस को तो सबसे ज्यादा जो टीयर फिल्म इन होगी वो पोस्टीरियर बेफराइटस में होगी क्यों क्योंकि ये इफेक्ट कर रहा है मेबोबिन ग्लैंड को अगर मेबोबिन ग्लैंड अफेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि लिपिड लेयर जो है आ, आपकी टीयर फिल्म की वो प्रॉपरली बनेगी नहीं अच्छा वो नहीं बनेगी तो टीयर फिल्म जो है वो Uh, उसके एवेपरेशन के चांसिस ज़्यादा होंगे बिकॉज एज यू ऑल नो के जो लिपिड लेयर है दैट प्रिवेंट द टीयर फिल्म तो फ्रॉम बींग्राइट जो है दैट इज मोर एसोसिएटेड विद टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी इसकी दो क्लिनिकल फॉर्म्स हैं uh, मे मोमिन सबोरिया इट इज़ अ करैक्ट्रिस्टिक अपीरियंस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट एट दी ओपनिंग ऑफ द मोमिन डक्ट टीयर फिल्म इज ऑयली एंड फॉर्मी एंड फ्रॉसिड डिस्चार्ज इन दिलेट मार्जिन इस पिक्चर में आप देखें फर्स्ट पिक्चर में आपको आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं एट द ओपनिंग साइट ऑफ मेहू डक्ट, और दूसरी तरफ आपको ऑयली फॉर्म फॉर्मी टीयर फिल्म नज़र आ रही है अच्छा इस टीयर फिल्म जो फॉर्म बनता है इसके पीछे एक रीज़न है Uh, हमने अपने इंटर uh, लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें स्ट्रॉग बेस और अगर आप फैट को मिलाएं तो इट रिजल्ट इन सोप फॉर्मेशन तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो पॉजिटिव uh, ऑर्गेनिज्म है वो बेसिक uh, केमिकल या बेसिक रिलीज करते हैं और ये जो फैट्स हैं लिपिड इनके साथ रिएक्शन होता है तो एक सोप बनता है तो ये जो फ्रॉथ बनती है इसके पीछे रीज़न यही है कि इट्स देर इज ए केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू वट पन्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप तो ये फ्रॉथ इसीलिए बनती है देन कम्स द नेम्स जस्ट इज इनफ्लेन ऑफ द मेन ग्लैंड डिफ्यूज थे और लिड मसाज में आपको टूथ पेस्ट लाइक मेटीरियल थिक मेटीरियल नजर निकलेगा फ्रॉम द मेबिन डक्ट अगर ये ब्लॉक हो जाए तो इससे क्या बनेगा क्लेजियॉन क्लेजियॉन की हम डिस्कशन ऑलरेडी पिछले एक वीडियो में कर चुके हैं इसमें देखें आपको थिकनिंग है और फ्लेम ब्लॉक टक्स हैं फिर आपको टूथपेस्ट लाइक मटेरियल भी नजर आएगा जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे और प्रेसिस्ट भी बन सकती है इसमें कॉम्प्लीकेशन की क्लेजियन है टीर फिल्म में स्टेबिलिटी है पेपलरीटिस है एंड एफ दिस ऑल आर रिलेटेड टू तो, ग्लैंड ट्रीटमेंट इसकी वार्म कम्प्रेसिज है सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स में दे सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे Uh, इसका रोल क्या है इसका रोल ये तो एज तो एंटीबायोटिक भी है लेकिन ये आ, जो स्क्रेश है उसको थिन आउट भी करती है ताकि वो क्लॉग ना करें थिक करके सिस्ट ना बने टार्सल सिस्ट इसके अलावा जो एसोसिएटेड टीयर फिल्म एंड नॉमल्टी है उसको ट्रीट करने के लिए आर्टिफिशल ड्रॉप्स हम देते हैं थैंक यू